वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई काफी लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और काफी लोग जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो दोनों को, यहाँ पर जो बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडर है उनको समझ में नहीं आता कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उनका नाम तो सेम है, ऑप्शन दोनों के अंदर आता है, बट यहाँ पर कुछ अजीब लगता है, दोनों के अंदर काफी डिफरेंट लगता है, राइट। बट ऐसा है नहीं, दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो साइड बाय साइड कंपेरिजन करूंगा ताकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट के अंदर उसको समझ में आए कि यार बाइनरी ऑप्शन एक्चुअली होती क्या है, और बाइनरी ऑप्शंस करने वालों को पता लग जाए कि यार ये स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे वर्कआउट करती है। ओके, सो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज हम लोग आ चुके हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर। अब यहाँ पर बाइनरी ऑप्शन का एग्जांपल देने के लिए मैंने जो कोटेक्स ब्रोकर को चूज किया है, तो ये रहा इसकी स्क्रीन, यहाँ पर आपको दिख रही है। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट के अंदर चलती है, आप जो जीरो दो अपस्टॉक के अंदर करते हो, तो यहाँ पर मैंने जो अपस्टॉक को ओपन किया। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस जानने से पहले हम लोग जो सिमिलरिटी जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें सिमिलर है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर जो अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। बाइनरी ऑप्शन के अंदर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसको पता है कि यहाँ पर अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। कहीं कहीं पे अगर आप ऑल इन ट्रेड के अंदर जाओगे, बाइनमो के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको जो अप की जगह पे कॉल एंड पुट, डाउन की जगह पे पुट का ऑप्शन नजर आता है। इसका सिंपली मतलब क्या होता है कि कॉल यानी कि आप जो खरीद रहे हो, एंड डाउन यानी कि पुट यानी कि जो आप जो बेच रहे हो, राइट। सिंपली आप ऊपर दाव लगा रहे, ऊपर जाएगा मार्केट स्टॉक एसेट या फिर नीचे जाएगा, राइट। तो सिंपली अगर आप जो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर भी सेम होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो हर एक स्टॉक या फिर जो इंडेक्स के सामने जहां पर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो वहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पर आप पी यानी कि पुट ऑप्शन और सी यानी कि कॉल ऑप्शन, राइट, दोनों में से आप चूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी का 18800 का पी भी है और निफ्टी का 18800 का सी भी है। तो ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो अगर आपको आपको लग रहा है कि निफ्टी 18800 के ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर आप जो सी चूज करोगे, कॉल ऑप्शन बाय करोगे, सिंपल, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि 18800 के मार्केट स्टॉक निफ्टी नीचे रहेगा तो आप जो पुट ऑप्शन को बाय करोगे, सिंपल। तो यहाँ पर भी सेम होता है ये, समझो। मान लो अगर आप जो कोई भी एक एसेट के अंदर आपको लग रहा है कि जहां पर आप ये ट्रेड कर रहे हैं वहां से ये जो ऊपर रहेगा तो वहां पर आप क्या करोगे, अप के लिए प्रेस करोगे। अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा जहां पर अभी है वहां पर आप जो सिंपल डाउन प्रेस कर देते हो। दोनों के अंदर यहाँ पर ये जो पहला चीज तो सिमिलर की यहाँ पर आप जो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों चीजें यहाँ पर होती है। अब गाइज यहाँ पर और एक चीज होती है, यहाँ पर दोनों के अंदर एक्सपायरी होती है, राइट। यहाँ पर उसमें थोड़ा डिफरेंस है जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बाइनरी ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपके लिए एक्सपायरी काफी छोटी होती है एंड वो फिक्स्ड होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ता है कि आपकी एक्सपायरी क्या रहेगी। जैसे कि 5 मिनट का ट्रेड है, अभी अगर आप देखो तो टाइम हो रहा है 16:59 यानी कि ये 17 हो चुके हैं, राइट। तो अभी आप 17:02 का ट्रेड लेना चाहते हो, अगले 2 मिनट के लिए एक्सपायरी लेना चाहते हो, 5 मिनट की एक्सपायरी लेना चाहते हो, तो अगर आपने अगले 5 मिनट के लिए ले लिया ट्रेड और यहाँ पर आपने पैसे लगा दिए, 5 मिनट का अगले टाइम फ्रेम लगा दिया और आपने जो अप बटन को प्रेस कर दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब ये 17:05 पर पहुंचेगा टाइम होगा तो वहां पर ये जो अभी चार्ट जहां पर है वहां से ऊपर ही रहेगा। तो अभी जहां पर चार्ट है उससे ऊपर ही रहेगा जब ये 17:05 पहुंच जाएगा, राइट। यहाँ पर आप जो ये बेट लगा रहे हो, तो यहाँ पर आप जो मिनटों में आपकी जो एक्सपायरी सेट करते हो कि अगले 5 मिनट की मेरी एक्सपायरी होनी चाहिए, 15 मिनट के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर क्या मैं कितने मिनट की एक्सपायरी लगा सकता हूँ। तो उतने अगर आपने एक्सपायरी लगा दी उतने मिनट के बाद आपका जो आपने बेट लगा दिया वो सही होना चाहिए। अगर आपने अप के लिए प्रेस किया तो मार्केट ऊपर रहना चाहिए, डाउन के लिए प्रेस किया तो मार्केट नीचे रहना चाहिए। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जाओ तो यहाँ पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक्सपायरी होती है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर आप ठीक से देखो, निफ्टी 18800 के पी और सी के नीचे आपको दिख रहा होगा, डेट दिख रही होगी 08 दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर की इसकी जो एक्सपायरी है। ओके, तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग की, इस डेरिवेटिव की एक्सपायरी कब है, 8 दिसंबर को। ओके, तो आज है 7 दिसंबर, कल इसकी एक्सपायरी, हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसकी एक्सपायरी वीकली होती है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स है, एंड अगर आप जो रिलायंस जैसी शेयर के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो इसकी एक्सपायरी जो मंथली होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख लो इस दिसंबर मंथ की एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे 29 दिसंबर को है, तो इसकी एक्सपायरी 29 दिसंबर तक की है। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपने इस ट्रेड को अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखो
18800 का सी अगर आपने बाय किए 8 दिसंबर की अगर आपकी एक्सपायरी है तो आप ये कह रहे हो कि 18800 के ऊपर रहेगा मार्केट 8 दिसंबर तक ये पहुंचते राइट। और इससे पहले भी आप बुक कर सकते हो, यानी कि जो 8 दिसंबर को ये जो डेरिवेटिव एक्सपायर हो जाएगा एंड उससे पहले पहले ये जो 18800 के ऊपर रहेगा ऐसा आप बेट लगा रहे हो। तो सिंपली यहाँ पर भी एक्सपायरी होती है बट यहाँ पर की एक्सपायरी आप चेंज नहीं कर सकते हो। इंडेक्स की एक्सपायरी हर वीकली होती है थर्सडे को, एंड अगर आप शेयर के अंदर करना चाहते हो तो ये मंथली एक्सपायरी होती है राइट। तो दोनों के अंदर एक्सपायरी होती है बट बाइनरी ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी बहुत ही छोटी होती है एंड आप इसे चूज कर सकते हो। ओके एंड गाइस दोनों के अंदर यहाँ पर आप जो बेट सिमिलर लगा सकते हो, जैसे कि अगर आप जहां पर अभी मार्केट है अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप आपके लिए प्रेस करोगे। सिमिलर यहाँ पर स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको लगता है जहां पर अभी मार्केट है अगर आप देखो तो अभी निफ्टी यहाँ पर सिंपल ऊपर देखो तो 18600 है, तो सिंपली आप 18700 का भी बाय कर सकते हो, 18700 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर रहेगा, या फिर 18600 का भी बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है कि 18600 से मार्केट ऊपर ही रहेगा 8 दिसंबर आने आते आते। तो सिंपली यहाँ पर जो ये भी एक सिमिलरिटी है। एंड अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो दोस्तों दोनों के अंदर यहाँ पर आपको पैटर्न नजर आएंगे। यहाँ पर दोनों चार्ट के अंदर अगर आप देखो स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फिर जो है ये बाइनरी ऑप्शंस के अंदर, दोनों के अंदर आप जो चार्ट को कैंडल में देख सकते हो राइट। एंड प्लस ये सारे जो पैटर्न आपको बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये जो असेंडिंग ट्रायंगल बना है, यहाँ पर अगर आप सेम देखो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल प्लस ये असेंडिंग ट्रायंगल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बुलिश रेक्टेंगल ट्रायंगल राइट। तो ये सारे जो है यहाँ पर दोनों के अंदर पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी सीखते हो, जो भी आप पैटर्न सीखते हो, दोनों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके तो ये जो इसके अंदर ये भी एक सिमिलैरिटी है, बट अब यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंस क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा। ओके तो ये कंप्लीट एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मैंने जो ओपन फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक दे दी, जाके आप जो अपना फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हो। ओके अब गाइस इसके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ पर एसेट। बाइनरी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आप एसेट क्या होती है आपकी, या तो करेंसी पेयर होती है, यहाँ पर आप देखो यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर्स, या फिर न्यूजीलैंड डॉलर, आईएनआर इंडियन रुपीस, तो ये जो सारे आपको जो करेंसी पेयर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो क्रिप्टो के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो जैसे कि सिल्वर गोल्ड, एंड यहाँ पर आप जो स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो बट यूएस स्टॉक के ऊपर, इंडियन स्टॉक के ऊपर नहीं कर सकते हो ट्रेड राइट। So, ये थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप जो स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप जो इंडियन स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, एंड यहाँ पर आप जो इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है कि एसेट थोड़े अलग अलग होते हैं। एंड एक चीज लोगों को नहीं पता है, अगर आप देखो बाइनरी ऑप्शन के अंदर आप जो एसेट के पेयर के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो राइट, बट यहाँ पर आप जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के साथ भी आप जो है ये एसेट पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ USD/ यहाँ पर आप देख लो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ USD INR, यहाँ पर आप देख लो USD INR उसके अलग अलग जो कॉल ऑप्शन है राइट। एंड अगर आप मैं देखो GBP भी शायद होगा, आई थिंक यस GBP INR राइट। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि USD INR USD GBP, तो यहाँ पर आपको जो है ये यहाँ पर भी आप कर सकते हो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी आप जो है GBP INR के ऊपर या फिर USD INR के ऊपर आप जो ट्रेड ले सकते हो, और ये लीगल है कम्प्लीटली राइट। तो ये कम्प्लीटली लीगल है बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है, बट अगर आप INR के साथ जो पेयर है उसके साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो अलाउड है। तो यहाँ पर आप जो सिंपल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, फिक्स टाइम फॉरेक्स जो हम लोग बाइनरी के अंदर करते हो, यहाँ पर आपको सेम एसेट मिल जाएंगे। ओके अब गाइस अगला डिफरेंस समझ लेते हैं। बाइनरी ऑप्शंस के अंदर जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी यहाँ पर फिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेंजेस होते हैं। बट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यानी कि स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों फिक्स नहीं होते। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कब एग्जिट करना है, कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना लॉस आप जो आपको बियर करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट आपके पास कंट्रोल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप कब एग्जिट करना चाह रहे हो, कब आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, कितना प्रॉफिट आप लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल होते हैं, डायनामिक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी चेंज होते रहता है। बट बाइनरी ऑप्शंस के अंदर क्या, अगर मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाऊं, देखो अभी टाइम हो रहा है 17:08, तो अगले एक मिनट के लिए मैं
ट्रेड लगा दिया, देखो अभी 3000 ऑलमोस्ट मैंने लगा दिए, अब देखो मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा मुझे 60% ऊपर, अगर आप देखो तो 60% मुझे गेन दिखा रहा है। तो अगर मैं 3000 रुपए लगा दूंगा तो मुझे जो 60% उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेंगे फिक्स है वो, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, बट ऑलमोस्ट अगर आप ओवरऑल देखो तो ये फिक्स होता है आपका प्रॉफिट। तो अगर मैंने आपके लिए प्रेस कर दिया तो अभी 3050 के ऊपर मुझे 60% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर ये अप रहेगा, यानी कि ऊपर रहेगा जहां से मैंने बाय किया, ओके। एंड अगर ये जहां से मैंने बाय किया वहां से नीचे चला गया, यानी कि मेरे अगेंस्ट चला गया, तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क में रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि यहाँ पर बाइनरी ऑप्शंस के अंदर आपका पूरा कैपिटल रिस्क होता है, तो आपको लॉस भी आपका फिक्स है जितना होना, आपको पता है कि 3000 रुपए लगाया तो 3000 रुपए लॉस होने वाला है, एंड अगर प्रॉफिट हुआ तो 60% मुझे डायरेक्टली एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पर देखो अभी थोड़ा चेंज हुआ, 58% हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते, ओके। तो यहाँ पर आप देखो मिडल में भी सेल नाउ कर सकते हो कभी कभी, अगर आपको ऑप्शन कभी कभी दिया जाता है कि अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड तो आप जो बीच में भी ट्रेड को सेल कर सकते हो थोड़े थोड़े कैपिटल को सेव करके, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर जीरो कैपिटल आपका पूरा रिस्क पे होता है यहाँ पर। एक यहाँ पर आपको चीज समझनी पड़ेगी, दोनों भी रिस्की है, बाइनरी ऑप्शंस भी उतना ही रिस्की है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उतना ही रिस्की है, बट एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस के अंदर आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता है कि यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से जब चाहो एग्जिट कर सकते हो। तो यानी कि अगर आपने 20,000 रुपए लगाए और आपको 3000 रुपए लॉस दिखा रहा है तो आप जो एग्जिट कर सकते हो 3000 रुपए लॉस से, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आप 3000 रुपए लगा चुके तो वहां पर आपका एक्चुअली क्या है कि आपके 3000 रुपए पूरे रिस्क में हो चुके हैं। बट इसके अगेंस्ट में और एक चीज है जो कि यहाँ पर तो स्टॉक मार्केट की ऑप्शन ट्रेडिंग जीत जाती है, बट अगर आप और दूसरे वे से देखो तो यहाँ पर देखो अपने हिसाब से आप जो कितना भी रुपीज लगा सकते हो, 100 रुपए भी लगा सकते हो, तो आपके हिसाब से आप जो है डिसाइड करोगे कितना मुझे बेयर करना है लॉस। बट अगर आप जो स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आप जो सिंगल अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका निफ्टी पी 18800 का जो पी है तो ये 190 रुपए का भाव चल रहा है, राइट। तो 190 रुपए का ये जो भाव चल रहा है तो यहाँ पर आपको एक नहीं ले सकते, अगर आपको 190 रुपए डाल के आप एक ट्रेड नहीं ले सकते, एक एसेट को बाय नहीं कर सकते, आपको जो लॉट में बाय करना पड़ता है, ओके। तो बैंक निफ्टी के लॉट है 25 और अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो आपको जो 50 बाय करना पड़ेगा, यस। यहाँ पर आप देखो मिनिमम 50 आपको ये जो निफ्टी का अगर आप बाय करना है तो 50 क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी, तो 190 मल्टीप्लाई बाय 50 उतना आपका इन्वेस्टमेंट होना ही पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आप लॉट को ही लॉट में ही आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम आपको सामने दिख रहा है ये मल्टीप्लाई बाय लॉट, बट यहाँ पर आपका जो अमाउंट फिक्स आप जितना चाहे उतना ही आप रिस्क ले सकते हो। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आप जो है इतना इतना रुपीज पैसे लगा सकते हो, ओके। एंड गाइस अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इसके अंदर और क्या डिफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंट वाला मामला है थोड़ा बहुत, जिसके आप मिनटों में ट्रेड लगाओगे मिनटों में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, राइट राइट। मतलब अगर आपने 10 मिनट का ट्रेड लिया तो 10 मिनट के अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे तुरंत अकाउंट के अंदर, नीचे चला गया तो तुरंत आपको अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हो तो यहाँ पर देखो अगर आपने एक्सपायरी 8 दिसंबर के लिए और आपने बाय किया है तो ऐसा नहीं कि आपको 8 दिसंबर तक ही रुकना है, नहीं, यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप जो अगले 10 मिनट के अंदर ही एग्जिट कर सकते हो। जैसे अगर समझो मान लो यहाँ पर आपने ब्रेकआउट के बाद 18800 का कॉल ऑप्शन बाय किया तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर समझो मान लो 18600 अभी चल रहा है और मैंने 18800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और मैं कह रहा हूँ कि 18800 के मार्केट ऊपर जाएगा, अभी 18600 है और मैंने बाय कर लिया फिर 18800 का कॉल ऑप्शन, तो वहां पर अगर मैंने बाय कर लिया 100 रुपए उस प्रीमियम का भाव है तो जैसे 18700 तक भी चला जाएगा, भले वो 18800 नहीं चला जाए जो मैंने बेट किया है, 18700 ही चला जाए तब भी मैं जो 100 रुपए का जो मैंने प्रीमियम दिया है वो 150 रुपए चला जाएगा, तो मैं वैसे भी प्रॉफिट में रहूंगा। तो थोड़ा बहुत भी आपके डिरेक्शन में थोड़ा बहुत भी वो चलने लग गया तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर दिखने लग जाता है और आप जो तुरंत मिनटों में भी एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है और ये एक डिफरेंस है, राइट। सो आई होप गाइज आपको जो इसके अंदर जो डिफरेंस है समझ में आ चुका होगा और बाकी जो छोटे मोटे डिफरेंस है जैसे कि एग्जांपल आपको स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको डीमैट अकाउंट सारी चीजें ओपन करनी पड़ी, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट ये थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक प्रोसेस है, आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज वर्सेस अगर आप बाइनरी ऑप्शन के टूवर्ड जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत ये जो है ग्रे एरिया के अंदर आता है और गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करना चाह रही, तो ये थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है।
तो यही था आज का वीडियो। अगर आपके कुछ और भी डिफरेंस है जो मैंने मिस किए, तो आप जो वीडियो के नीचे जाके मुझे बता सकते हो जो मैंने मिस किया है, कि यहाँ पर क्या प्रो है, क्या यहाँ पर क्या प्रो है, दोनों के अंदर दोनों के कुछ एडवांटेजेस है और दोनों के अंदर कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। ऑब्वियसली आप जो अपने थॉट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय।